हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं, चाहे ओएसी साहब की पार्टी हो, चाहे डीआरएस की पार्टी हो। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। जी हाँ, ये शायद पहली बार है कि चुनाव तो लोकल है लेकिन चर्चा नेशनल है। हैदराबाद में परसों यानी 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों पर चुनाव है। जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ के बाद आज बीजेपी के स्टार कैंपेनर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद या फिर कह लीजिए बीजेपी के भाग्यनगर पहुंच गए। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, लेकिन अमित शाह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि उन्होंने भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए और फिर उन्होंने हैदराबाद का, ये देखिए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आ गई, फिर उन्होंने हैदराबाद का भाग्य बदलने वाला एजेंडा रखा। सबसे बड़ा वादा जो उनकी तरफ से किया गया वो ये रहा कि हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्ति दिला देंगे। उनका दूसरा बड़ा वादा रहा हैदराबाद के लोगों को दोयम दर्जे के व्यवहार से मुक्ति दिलाई जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी और मुख्यमंत्री केसीआर के सीक्रेट गठबंधन पर भी उन्होंने वार किया। आप इसे एक तरह से 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी की भविष्य की इक्वेशन को थोड़े थोड़े इशारों में समझ सकते हैं। और इसीलिए 5 बजे की बड़ी बहस हम इन सवालों के साथ लेकर आए कि हैदराबाद में निजाम कल्चर वर्सेज भाग्यनगर, हैदराबाद में परिवारवाद वर्सेज जनता का राज, ओवैसी की धमकी बौखलाहट है या फिर उनका डर दिखाती है, लोकल चुनाव में बीजेपी क्यों वोकल है और तुष्टीकरण पर चोट, क्या इसी से मिलेगा बंगाल में भी वोट, क्योंकि इस बात को समझिए अगले साल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शंस होने हैं और हैदराबाद के इन इलेक्शंस को वेस्ट बंगाल और डाउन साउथ तमिलनाडु के इलेक्शंस के लिए भी बीजेपी की तैयारी के तौर पर, एग्रेसिव अप्रोच के तौर पर देखा जा रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। अपराजिता सारंगी सांसद हैं बीजेपी की, इस्लामिक स्कॉलर सैयद अली कादरी हमारे साथ हैं, गजेंद्र साखला कांग्रेस के नेता हैं, आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हैं, भानु प्रसाद राव टीआरएस से संबंध रखते हैं, तौसीफ खान समर्थक हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल अपराजिता सारंगी आपसे है, जब गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम निजाम कल्चर को खत्म कर देंगे, हम निजाम कल्चर से मुक्ति दिलाकर हैदराबाद को आधुनिक सिटी बनाएंगे, हम उसे मिनी इंडिया बनाएंगे, तब मैसेज बड़ा होता है। आपके विरोधी सवाल सिर्फ एक पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी लोकल को लेकर हैदराबाद में इतनी वोकल क्यों है। कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि एक गली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार के लिए क्यों आ रहे हैं। ये कितनी दुखद बात है, मुझे हास्यास्पद यह नहीं लगता है, मुझे दुखद लगता है। हैदराबाद में 74 लाख वोटर हैं, करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, क्या हैदराबाद एक गली है? यह मेरा पहला प्रश्न है। किस तरह की मनोवृत्ति है कि हैदराबाद को गली कहा जा रहा है? और देखिए, जैसा कि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, आदरणीय नड्डा जी ने कहा, यह मोदी जी के सुशासन मॉडल और फार्म हाउस मॉडल के बीच की लड़ाई है। जो भ्रष्टाचार की का शासन चल रहा है उसके बीच और भारतीय जनता पार्टी के पारदर्शी शासन के बीच की लड़ाई है, निजाम कल्चर की लड़ाई है आम आदमी की के शासन के साथ। तो अगर अयोध्या फैजाबाद का नाम हो सकता है, अगर
प्रयागराज इलाहाबाद का नाम हो सकता है तो भाग्यनगर हैदराबाद का नाम क्यों नहीं हो सकता है आगामी दिनों में। मैं आपसे निजाम कल्चर के बारे में बात करना चाहती हूं मैम। यहां पर निजाम कल्चर जब गृह मंत्री कहते हैं तो एक्चुअली उनका मतलब क्या है? वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? वो एक बड़े तबके को दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कराने की जो वो एक हीन भाव लोगों में जो है उसकी बात कर रहे हैं? वो मजलिस की बात कर रहे हैं? वो किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट है वहां 5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज हैं, और अगर केसीआर साहब वैसा हृदय रखते तो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करने के लिए दरख्वास्त देते गृह मंत्रालय को, पार्लियामेंट में, संसद में विरोध न करते। और जैसा कि अमित शाह जी ने कहा, अभी लिखकर एक आवेदन देते कि हमें आपकी सहायता की जरूरत है, इन्हें बाहर किया जाए। एक दूसरा, अभी जो सीट शेयरिंग की बात हुई, ये खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं हुई? अगर मजलिस के साथ करना है तो खुल्ला खुली ये हो, रूम के अंदर बंद होकर इस तरह की बातें करना कहां तक सही है? तीसरी बात, ठीक प्रगति भवन में बैठकर, अपने सेक्रेटेरिएट में बैठकर, मंत्रालय में बैठकर शासन करना बड़ा आसान है विधायक और मंत्रियों के साथ। जब हैदराबाद में बारिश हो रही थी, लोग डूब रहे थे, 60 लाख लोग ग्रस्त थे उस समय, वहां के मुख्यमंत्री कहां थे? क्यों नहीं आते जमीन पर? ये सवाल अमित शाह ने भी उठाए हैं, ये सवाल गृह मंत्री ने भी उठाए हैं, इस पर काउंटर लेंगे भानु प्रसाद राव का। लेकिन अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कौन सी दो बड़ी बातें कही गई है? हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुष्टिकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं, किसी का एपिसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। भानु प्रसाद जी, सवाल आपसे पूछ रही हैं अपराजिता सारंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा सर। यही सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे, उन्होंने कहा निजाम कल्चर को खत्म करने का वक्त आ गया है। निजाम कल्चर को खत्म करने का बात तो अलग है, लेकिन अमित शाह जी जो क्वेश्चन पूछा है, एक बार अपने आप को क्वेश्चन पूछना चाहिए अमित शाह जी, क्या अमित शाह जी कहां थे उस वक्त जिस वक्त पूरा हैदराबाद डूब रहा था? पूरा हैदराबाद में फ्लड के वजह से पूरे हैदराबाद के लोगों के अंदर एक तकरार सा पैदा हुआ था, तब कहां थे ये होम मिनिस्टर साहब? क्या हैदराबाद में रिलीफ के लिए कुछ काम किया है होम मिनिस्टर ने? क्या होम मिनिस्टर के अंदर नहीं आता ये काम? क्या भारत के इस होम मिनिस्ट्री हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर जी के तरफ से क्या कोई एक रुपए का भी ऐलान हुआ है हैदराबाद के लोगों के लिए? क्या हैदराबाद के लोग इस देश में नहीं है? क्या भारत में नहीं है? क्या जब हैदराबाद के लोगों के वजह से, फ्लड के वजह से परेशानी में थे, तब हैदराबाद के लोगों के तरफ देखने के लिए भी टाइम नहीं था इसके, इन लोगों के लिए, इन बड़े बड़े लीडरों के लिए? जो सवाल आप गृह मंत्री से पूछ रहे हैं सर, जो सवाल आप गृह मंत्री से पूछ रहे हैं, वो सवाल तो अमित शाह जी तेलंगाना के सीएम से पूछ रहे हैं, कहां थे जी? कहां थे जब जनता संघर्ष कर रही थी? अमित शाह से पूछ जी। जी, हमारा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी 24 आवर्स एक रिलीफ के लिए मिनट टू मिनट प्लानिंग करते रहे, और हमारे जितना भी मिनिस्टर्स है, पूरा 17 के 17 मिनिस्टर्स सड़क पे थे, हमारे जितना भी एमएलए थे सड़क पर थे। क्या कोई यहां से सिकंदराबाद से चुना गया सो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल होम मिनिस्टर जो है किशन रेड्डी साहब जो है, वो क्या कहां थे? वो कहां थे हैदराबाद में? एक दिन का दौरा करके निकल गए, उसके बाद कभी हैदराबाद में दिखा ही नहीं। वो सिकंदराबाद का पार्लियामेंट्री मेंबर थे और सहाय मंत्री है होम मिनिस्ट्री का। ठीक है, आपने सवाल पूछा राकेश सिन्हा। हमारा यहाँ का म्युनिसिपल, हमारा यहाँ का म्युनिसिपल मिनिस्टर सीएम कहाँ थे, टीआरएस कहाँ थी, सब एक दूसरे से सवाल ही पूछ रहे हैं, लोगों के पीछे थे।
देखिए ये सारे कैसी पार्टी है, पानी में घूम रहे थे हमारे, मैं जवाब दे दूं, पूरा से पूरा मिनिस्टर वहीं पानी में घूम रहे थे। सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए सर, प्लीज, थैंक यू। देखिए मुझे थोड़ी हास्यास्पद बात लगी, यदि ये अपनी पार्टी का इतिहास जानते तो मुझे अच्छा लगता। इनकी पार्टी ने संघीय व्यवस्था को सबसे अधिक उठाया है। यदि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सीधे हैदराबाद पहुंच जाएं तो क्या होगा मालूम है? ममता बनर्जी के राज्य में जब परिस्थिति खराब हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री को कोरोना के समय में अपने राज्य में बुलाया, प्रधानमंत्री गए और राज्य को जो पैकेज देना था दिया। जब हैदराबाद डूब रहा था तो इनके मुख्यमंत्री वहां बैठ कर कह रहे थे हम स्थिति को संभाल रहे हैं, केंद्र के मदद को उन्होंने ठुकरा दिया है। मैं आपको बता दे रहा चाह रहा हूं, केंद्र ने बार बार पूछा और आप बार बार आपने कहा कि हमें मदद नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं और आपकी सक्षमता थी डुबाने में, लेकिन कभी नहीं ठुकराया। हमने आप सुनिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मेरी बात आप बोलिएगा। मैं दो बातें कहना, बोलिए 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 राकेश सिन्हा जी, बोलिए। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए एक अमित शाह जी ने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया है, निजाम संस्कृति क्या है? आपने पहले पूछा भी था, मैं बता देना चाहता हूँ निजाम संस्कृति क्या है। निजाम के वारिस आज MIM है, जिसका पैट्रनेज वहां से मिल रहा है, और मैं कहता हूँ निजाम का ही दूसरा रूप वहां की राजधानी में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं। वो क्यों कह रहा हूँ, निजाम ने रजाकारों की सेना बनाई थी जो निजी सेना थी, जिसने भारत पर हमला बोला था, जिसको सरदार पटेल ने निरस्त किया था, उसी का वारिस MIM है। जो रजाकारों के फाउंडर थे उसी ने MIM की स्थापना की। आज तक 17 सितंबर को ये रजाकार के बारिस काला दिवस मनाते हैं हैदराबाद के भारत में इंटीग्रेशन का। इनकी हिम्मत है तो कहें हैदराबाद का इंटीग्रेशन गलत हुआ था, निजाम गलत है। आज इनकी हिम्मत है तो कहें निजाम ने भारत की संस्कृति के साथ, भारत की सभ्यता के साथ, भारत की अखंडता के साथ जो किया उसकी मैं निंदा करता हूं, ये नहीं कर सकते। एक दूसरा, निजाम के रजाकारों की सेना ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी डिग्निटी पर हमला किया, हिंदू घर को लूटा, सैकड़ों की हत्याएं की। इनकी हिम्मत है तो रजाकारों की साफ निंदा करें, इनके वोट चले जाएंगे। ठीक है, तो एक अंतिम बात में जोड़ दो इसमें, अंतिम बात जल्दी। देखिए हैदराबाद को ओबीसी के भाई ने क्या कहा था, 15 मिनट से पुलिस और सेना हटा लीजिए, हम क्या करके दिखाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि 15 साल सेना नहीं रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद में कुछ करने का, उसका नाम भाग्य नगर होना चाहिए। ठीक है सर, भानु प्रसाद राव 20 सेकंड्स आपका काउंटर, क्योंकि उसके बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे जब निजाम कल्चर की बात होती है तो हम कहना क्या चाहती है यहाँ पर बीजेपी, ये दर्शकों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 20 सेकंड्स सर, भानु प्रसाद राव जी, जिन निजाम के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, निजाम अलग है और रजाकर अलग है, ये बात इन लोगों को हिस्ट्री के बारे में जानता ही नहीं है ये लोग। निजाम अलग है, निजाम जी, निजाम क्या बात कर रहे हैं आप, हैदराबाद में निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया तो है, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप चुप रहिए, मैं चुप से सुना हूं, आप भी उनकी बात को जाने दीजिए साहब, प्लीज, आप सुनिए बस, सेना जी उनकी बात को जाने दीजिए साहब, पूछा आपने निजाम के किसी निजाम की वो निजी सेना थी, आप यहां से पूछा कर रहे हैं, इस वक्त अपने दर्शकों को समझाना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस शाउटिंग कॉन्टेस्ट में वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ, वापस आपको फ्लो दूंगी। अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं निजाम कल्चर। तो देखिए निजाम कल्चर AIMIM, जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, घोषणा पत्र होना चाहिए, मैनिफेस्टो होना चाहिए। AIMIM का कोई घोषणा पत्र है? जवाब आपके स्क्रीन पर है। AIMIM हर चुनाव में बिना घोषणा पत्र के मैदान में उतरती है, सोचिए जरा, लोकतंत्र में कहा जाता है नेता वादे करते हैं। मैनिफेस्टो जारी करने में AIMIM का भरोसा नहीं है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कभी मैनिफेस्टो आता ही नहीं है सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के बाद AIMIM अध्यक्ष, देखिए, और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी नेता, यानी परिवारवाद जिसका जिक्र आज गृह मंत्री ने किया। ओवैसी के मुताबिक घोषणा पत्र सिर्फ झूठे होते हैं, सिर्फ वादे भर होते हैं और इसीलिए यहां पर AIMIM अपना मैनिफेस्टो ही नहीं लेकर आती है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है किसी के लिए भी। हमारे साथ मोहम्मद कामरान भी है। मोहम्मद कामरान सर, लोकतंत्र लेकिन एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं जिसके आधार पर वोटर समझ सके कि मुझे क्या मिलेगा, मैं किस मुद्दे पर वोट डालूं।
हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि केसीआर पर अमित शाह ने किस तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा हैदराबाद के विकास में AIMIM और TRS रोड़ा हैं और साथ ही कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर कादरी जी, बिना मैनिफेस्टो के डेवलपमेंट की बात, बिना मैनिफेस्टो के लोगों तक क्या डेवलपमेंट पहुंचाई जाएगी, कैसे पहुंचाई जाएगी, ये सब बातें। और साथ ही लोकतंत्र में तो जनता कॉल लेती है ना सर। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नस्लें तबाह हो जाएंगी, हैदराबाद जो था वही रहेगा। सर, लोकतंत्र में फैसला जनता को लेने दीजिए। सर देखिए मैडम, जहां तक के निजाम कल्चर का सवाल है तो निजाम कल्चर को हटाने का मतलब यह है कि सांप्रदायिकता हैदराबाद में फैलाना है, क्योंकि निजाम के दौरे हुकूमत में कि किशन महाराजा प्रसाद यहाँ के वजीर आजम थे और निजाम ने हिंदू मुसलमान दोनों को अपने साथ लेकर चला। और अगर निजाम कल्चर मिटाने की अगर बात होगी तो फिर हैदराबाद की जितनी बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें हैं, जिसमें निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, उस्मान सागर लेक है और हिमायत सागर लेक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, ये सारे चीजों को मिटा देना पड़ेगा अगर निजाम कल्चर को हटाने की बात करेंगे। रही बात हमारे हमारे सुनिए, थोड़ा पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे, कैसे सांप्रदायिकता फैलाना है सर। कुछ लोगों को एक बड़े तबके, सुन लीजिए ना, संवाद करेंगे एक तबके को दोयम दर्जे का फील कराना, उनका सम विकास की बात ना करना, आरोप अपीजमेंट के लग रहे हैं, इतना अपीजमेंट की अवैध स्ट्रक्चर तक खड़े रहते हैं। अभी बाढ़ बहुत कर रहे थे TRS के नेता, लेकिन बाढ़ का पानी की निकासी क्यों नहीं हो पाती, उसके लिए बहुत बड़ा रीजन ये अवैध स्ट्रक्चर है। सर उस पर तो बात कीजिए आप, पहले तो मुझे ये समझा दीजिए कि निजाम कल्चर को हटाना सांप्रदायिक कैसे है। सर निजाम कल्चर को हटाना सांप्रदायिकता इसलिए होगी क्योंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहे हैं और हमारे गृह मंत्री सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। तो आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बाकी जगह हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते, मिलकर नहीं रहते? रहते होंगे, मैं तो सिर्फ हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद में हूँ तो हैदराबाद की बात करूंगा। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है सर क्या, या हिंदुस्तान में ही है हैदराबाद? हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा हैदराबाद है। तो फिर सर क्या कंफ्यूजन है सर? लेकिन जहां पर यहाँ का जो कल्चर है हिंदू मुस्लिम मिलकर रहने का, यहाँ पर कोई सांप्रदायिकता बात नहीं होती है। नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते, मैं आपका ये पॉइंट नहीं समझ पा रही हूँ, इसीलिए मैं बार बार आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ। खाली हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम साथ रहता है, बाकी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रहता सर? हमारे हिंदुस्तान में जहां जहां पर बीजेपी शासन चल रहा है, आप देखिए वहां पर सांप्रदायिकता फैलाई गई, वहां पर फिरके वाराना फसाद हुए। आप इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कादरी जी। आपने एक स्टेटमेंट दिया, मैं उस स्टेटमेंट को लॉजिकली एनालाइज कर रही हूं। आपने कहा निजाम कल्चर को हटाना सांप्रदायिकता को फैलाना है। सर मुझे जवाब दीजिए ना, आपने कहा हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है, मैंने आपको उसका भी जवाब दिया, पूरे हिंदुस्तान में रहता है सर, मिसाल दी जाती है सर, आप दीजिए ना उसके जवाब। अब आप पॉलिटिकल हो गए कि बीजेपी जहां रहती है ऐसा करती है वैसा करती है, सर उस पर जाइए ना, पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश मत कीजिए। इसे मैं आपको कह रहा हूं, निजाम के शासन में यहाँ पर किशन प्रसाद वजीर आजम थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं समझा। सर मैं अतीत की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है अतीत ऐसी नजीरों से भरा पड़ा है सर, इतिहास भरा पड़ा है और आप सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें से एग्जांपल लेकर आते हैं। मैं आपसे मौजूदा आज की तारीख की बात कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ निजाम कल्चर को हटाना सांप्रदायिकता कैसे है। सर आपके पास 30 सेकंड्स है, वरना अपना स्टेटमेंट वापस ले लीजिएगा। सर बांटने वाली बात की जा रही है ना यहाँ पर, निजाम कल्चर को हटाना तो सीधे सीधे बांटने की बात कैसे? है क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप कैसे? यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है। नहीं, बांटने की कोशिश कैसे है सर? अरे आप हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य लगन करेंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे, तो ये खुद ब खुद दो सांप्रदायिकता फैलाएंगे। सांप्रदायिकता कैसे? सांप्रदायिकता भाग्यनगर नाम कर देने से, तो आपके हिसाब से जहां पर नाम बदल दिए गए वहां पर सांप्रदायिकता फैलेगी? भाग्यनगर बनने से, भाग्यनगर बनने से हैदराबाद का लोगों का भाग्य बदलेगा? सांप्रदायिकता की बुनियाद पर नाम बदले जा रहे हैं। आपके हिसाब से परिवारवाद जारी रहना चाहिए? आपके हिसाब से आपने एक बार इस सवाल को नहीं उठाया कि AIMIM अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं लेकर आता है?
लोकतंत्र की बात कर रहे हैं सर, हम हिंदुस्तान की, इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं सर हम। मंजलिस पार्टी काम करना जानती है, झूठे वादे करना नहीं जानती। तो मैनिफेस्टो ही नहीं लाना चाहिए उनको आपके हिसाब से? हम अपने हम काम से जवाब दे रहे हैं ना आपको। आप क्या काम से जवाब देंगे सर? आप क्या काम से जवाब देंगे जब आपका मैनिफेस्टो ही नहीं है, आपके पास रोड मैप ही नहीं है, आपके पास रोड मैप ही नहीं है। भानु प्रसाद राव कुछ कहना चाह रहे हैं, सुने। हैदराबाद में देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ है आके। बाढ़ में दिखा वो डेवलपमेंट सर, बाढ़ में दिखा था। आपने शायद वो तस्वीरें नहीं देखी और जनता का तकलीफ और दर्द नहीं देखा। ठीक है सर, वो डेवलपमेंट देखा मैंने। भानु प्रसाद राव जी, जवाब देना चाहता हूँ, 30 सेकंड मुझे दीजिए। दूंगी राकेश सिन्हा जी, प्लीज पहले भानु प्रसाद राव। बार बार ये मुझे बार बार जो है ये बीजेपी का लोग बोल रहे हैं कि हैदराबाद के ओल्ड सिटी में रोहिंग्या है। रोहिंग्या अगर हैदराबाद के ओल्ड सिटी में है तो उसकी वो किसका गलती है? वो किसके अंडर आते हैं? वो सेंट्रल होम मिनिस्टर का गलती नहीं है? सेंट्रल गलती नहीं है जो जो जिसके वजह से वो लोग देश के अंदर घुस गया है? डिफेंस मिनिस्टर का गलती नहीं है जो देश के अंदर घुस गया है? कौन सा गवर्नमेंट उनको आधार कार्ड दिया? सो है सेंट्रल गवर्नमेंट दिया या स्टेट गवर्नमेंट दिया? उनका वोट का वोटर आईडी कौन दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट दिया या स्टेट गवर्नमेंट दिया? क्या ये सेंट्रल बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी का गवर्नमेंट इस देश में फेल हो गया? भारत में बीजेपी का गवर्नमेंट के वजह से पूरे देश के लोग भारत के अंदर घुस के आ रहे हैं? यही है क्या बीजेपी का लीडर? ठीक है सर, लेकिन जब जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालने की बात होती है सर, सबसे पहले पार्लियामेंट में खड़ा होकर कौन चिल्लाता है? कोई बात नहीं, राकेश सिन्हा जी और उसके बाद तौसीफ, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए मैं मुझे खुशी है कि भानु जी ने यह बात को स्वीकार किया कि वहां रोहिंग्या हैं। जो बात सारंगी जी ने कहा उसको भानु जी ने स्टैंप लगा दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, देखिए दूसरी बात एक बात सुन लीजिए। देखिए भाभी नगर की बात है, आपको याद होगा जो लोग आलोक मेहता जी बैठे हुए उनको वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब निजाम के खिलाफ एक देश ने आंदोलन चला था, वो 1939 में आंदोलन चला था जिसको कहते हैं भाग्य नगर सत्याग्रह। पूरे देश में एक ही नाम था भाग्यनगर सत्याग्रह। वो हैदराबाद उस संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन निजाम के एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं की जनसंख्या के अनुपात में 75% कम था और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को का था $236 बिलियन के मालिक निजाम थे। वो हिंदू मनी था, हिंदुओं के टैक्स के पैसे को वो सांप्रदायिकता के लिए रजाकार के लिए खर्च करते थे। दोनों से मैं आग्रह करता हूं आप टेलीविजन चैनल पर एक काम कर दें, रजाकारों की निंदा करें कि देशद्रोही थे, देश के संप्रभुता पर हमला कर रहे थे, और निजाम की निंदा करें कि रजाकारों ने उसको पैट्रोनेज दिया, निजाम की निजी आर्मी की निंदा करें। और सत्रह सितंबर उसकी निंदा करें। जी साखला जी बोलिए, हैदराबाद में तो ना 3 में ना 13 में। अदिति जी हालत इस देश की क्या है कि देश के गृह मंत्री को जब हिंदुस्तान के अंदर 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हैदराबाद में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तब इनको याद आ रहा है कि देश के अंदर हैदराबाद में निजाम कल्चर है उसको हटाना चाहिए? आज उनको याद आ रहा है कि हैदराबाद का नाम परिवर्तन कर देना चाहिए? आज उनको याद आ रहा है कि हैदराबाद के अंदर डेमोक्रेसी लागू करनी चाहिए? देश के अंदर डेमोक्रेसी, हैदराबाद में डेमोक्रेसी नहीं है? अरे इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और गृह मंत्री का सोच का दिवालियापन देखिए आप कि किस तरह की बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आज महिलाओं की सुरक्षा का खतरा है, तो किसान दिल्ली के ऊपर अपनी जान जोखिम में डाल करके खड़े हैं जी। निजाम कल्चर तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए। किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये बड़ा बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि आज एक गृह मंत्री वहां जाकर के निजाम कल्चर की बात करते हैं, हैदराबाद नाम परिवर्तन की बात करते हैं और देश की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी इनको नहीं है, और रोहिंग्या की बात करते हैं। 6 साल से आपका राज है देश के अंदर, आपने क्या किया हैदराबाद के नाम पर या निजाम कल्चर पर या डेमोक्रेसी? अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, रोहिंग्या को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था और अमित शाह ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। बल दिया इलेक्शन आया तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात, ये पहली हुकूमत है जो अपने ही मुल्क के शहर के इलाके के लोगों को पाकिस्तानी और रोहिंग्या कहती है जब पाकिस्तानी रोहिंग्या पुराने शहर में 30,000 नाम
वोटर लिस्ट में, अरे तुम हजार नाम नहीं दिखा सकते, मगर झूठ की बुनियाद पर नफरत पैदा करना, शक पैदा करना, ये बीजेपी की कोशिशें की जा रही है। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तोबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है कौन इनका पक्ष लेता है, देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। भानु प्रसाद राव 20 सेकंड्स आपका काउंटर सर, सवाल पूछ रहे थे ना, जवाब सुनवा दिया मैंने। तौसीफ मैं दे रही हूँ आपको फ्लोर सर, दे रही हूँ, आप हाथ उठा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं दे रही हूँ आपको वापस। इस देश के अंदर बांग्लादेश से रोहिंग्या आए या पाकिस्तान से कोई अंदर घुस के आए, तो इसका जो है रीजन खाली इज फेल्यूर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, किसी और का फेल्यूर नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट का कोई वास्ता नहीं है इससे। इट इज ओनली द फेल्यूर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सवाल यह है कि आप उसको वापस ले जाने के लिए कहते हैं, अमित शाह जी ने सवाल नहीं लिया गया है कि आप पूरा समर्थन करते हैं क्या कि रोहिंग्या को वापस ले जाए? ठीक है, आप अभी आप रिपीट कर रहे हैं, इस वक्त आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी, प्लीज तौसीफ खान, उसके बाद आलोक मेहता, जल्दी जल्दी प्लीज जी। अदिति देखिए देश के गृह मंत्री मोटा भाई ने दो मोटी बातें की है, पहला कि उन्होंने कहा कि कल्चर को हटा देंगे, दूसरा कि यहाँ पे परिवारवाद चलता है। कल्चर के बारे में उनके जो एडवाइजर है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, भारत का संविधान आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो देश के गृह मंत्री को ये क्रिमिनल बात, क्रिमिनल स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता कि हम किसी कल्चर को मिटा देंगे, हटा देंगे, पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात वो परिवारवाद का कहते हैं, परिवारवाद को देख लीजिए, अभी हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें 388 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, उसमें से 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे है जो कि किसी न किसी पॉलिटिकल परिवार को बिलोंग करते हैं। आप नाम सुन लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विवेक ठाकुर, उदय राजे भोसले, अनुराग ठाकुर, दुष्यंत सिंह, प्रीतम मुंडे, पूनम महाजन, नीरज शेखर, नवम रेबिया, लंबा लिस्ट है इसमें। तो ये देश के जो हमारे गृह मंत्री हैं, जरा उनको सोच लेना चाहिए वो कैसी बातें कर रहे हैं, उनके जो सलाहकार हैं उनको बदल देना चाहिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या करके बात कहते हैं कि हम खुद बैठे हैं हटा देंगे। निजाम ने इंडिया चाइना वॉर में निजाम ने 5 टन सोना दिया था भारत को, भारत सरकार को, किस कल्चर की आप बात करते हैं? आज के 2020 में अजीम प्रेम जी ने कितना करोड़, 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार को दे दिया कोविड से लड़ने के लिए, आप किस कल्चर की बात करते हैं? आप सिर्फ देश में धर्म के नाम पे नफरत फैलाना, सोसाइटी को बांट देना। तौसीफ खान, I'm sorry, अब सुनिए मेरी बात, आप जब इस देश की बात करते हैं ना सर, इस देश की बात करते हैं, जिसका जितना अलाउ करेगी जेब, जो जितना अफोर्ड कर सकता होगा सर, आप लोग ही जो हिंदू मुस्लिम करने पे आते हैं और ये एक एक नाम गिनाने शुरू करते हैं सर, आपको एक नाम याद रहा, बाकी सारे नाम भूल गए सर, आप किसकी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं सर? ये किस तरह की सोच है? देश के लिए करना ये हर सिटीजन का काम है सर, देश की मदद करना, देश की सेवा करना हर सिटीजन का काम है, आपका भी और मेरा भी, और जरूरत पड़े तो देश के लिए वो त्याग करना मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट की भी जिम्मेदारी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलिए सर। राकेश सिन्हा आपका काउंटर, उसके बाद आलोक मेहता जी, प्लीज आई एम सॉरी, इस माइंडसेट से ऊपर निकलिए। तौसीफ खान साहब, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द का यूज किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मुझे बहुत दुख हुआ जिस भाषा का आपने प्रयोग किया, जी न्यूज के करोड़ों दर्शक आज देख रहे होंगे, श्रोता सुन रहे होंगे, जब आपने कहा मोटा भाई यानी बड़े भाई, गुजराती सुन लीजिए, सुन लीजिए मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, अब व्यग्र मत होइए, मैं आप पर हमला नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप किसी बच्चे से पूछिए कि आपकी भाषा, ये आप भाषा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भाषा है या विश्वविद्यालय की भाषा है? कल्चर को भी समझिए,
देखिए संवैधानिक पद की, देखिए हमारा हमारा सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लॉयर लगते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या करते हैं आप, ऐसा ही करते हैं क्या? आपको पढ़ा रहा हूँ राकेश सिन्हा जी एक सेकेंड। तौसीफ खान जी, सर आपको पता है आप जिस प्लेटफॉर्म पर इस वक्त बैठे हैं, आपका लहजा, आपकी भाषा और आपके विचार, सिर्फ पांच लोग या छह लोग इस डिबेट में नहीं, करोड़ों लोग इस वक्त अगर आप पढ़े लिखे हैं तो संवाद करने का तरीका भी तौसीफ खान आप जानते होंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बात करने का सलीका तरीका आप जानते होंगे। मेरा नाम अदिति त्यागी है और मैं हर पैनलिस्ट को इज्जत देती हूं सर। डोंट रेज योर वॉइस बिकॉज मैं इस डिस्कशन से ये चाहती हूं कि छोटे बच्चे अगर इस वक्त इस डिस्कशन को देख रहे हो उन्हें समझ में आए बहस करने का तरीका क्या है। शाउटिंग कॉन्टेस्ट में ऑर्गेनाइज नहीं करती हूं जनाब, शाउटिंग कॉन्टेस्ट के लिए मेरे डिस्कशन में प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं है सर। आपकी भाषा, आपके विचार, आपका सलीका, आपका तरीका संयमित होना चाहिए प्लीज। क्या बोल रहे हैं? आपसे बहुत बेहतर है, देश की जनता जानती है कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए और मीडिया क्या रोल करती है। आप सीधे सीधे आर्टिकल, ठीक है, अब आपको दिक्कत हो रही है सर तो सुनिए, जिस आप प्लेटफॉर्म का सम्मान नहीं कर सकते ना सर, जिस प्लेटफॉर्म का आप सम्मान नहीं कर सकते आपको उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मीडिया को पाठ पढ़ा रहे हैं पैनल पर बैठकर डिस्कशन में कैसे शामिल हुआ जाता है, जिस शख्स को, जिस पैनलिस्ट को इतना बेसिक नहीं आता वो मीडिया को पाठ पढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया, आलोक मेहता जी। जी अदिति जी, देखिए मैं तो इस विवाद में, आज हैदराबाद की मुद्दा सबसे बड़ी बात है और एक नंबर ये कि क्यों गृह मंत्री और पूरी पार्टी वहाँ पर गई है। मेरा तो ऐसा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जितने रहे हैं और जो गृह मंत्री हों उन सबको हमारे देश के गांव में, पंचायत में, और उनको एक भागीदारी लगना चाहिए कि हमारे ये चुनाव इस क्षेत्र के विकास के लिए है, नंबर वन। मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, नंबर दो। दूसरा यह है कि जो कल्चर की बात, चूंकि अभी मैं कह रहा हूं तो मेरा, मैं जो समझ पा रहा हूं, हमारे दूसरे विद्वान ज्यादा जो बड़े पैनलिस्ट हैं, लेकिन आप जब हम कहते हैं कि भाई ये अंग्रेज कल्चर का है, क्या आप ईसाई को लेके बात कर रहे हैं? निजाम कल्चर का मतलब ये देखिए, तब कितना सबसे बड़ी संपत्ति, अभी उन्होंने खुद भी कहा कि ये दे दिया, किसका था? वो जनता का पैसा था, लूट करके करोड़ों अरबों रुपया जो निजाम के उसमें रखा गया, उस कल्चर में लोगों को गुलाम की तरह, हिंदुओं के साथ अत्याचार, दूसरे समुदायों के साथ अत्याचार, और ऐसा नहीं कि हिंदू मरते होंगे, तब मुसलमान भी तो, यदि सिपाही हिंदू या मुसलमान हो वो तो सब मरता है, सिख हो ईसाई हो। तो ये कल्चर की बात करना कि उसको विकास की तरफ ले जाना है। परिवार की बात जहां तक है, मैं चूंकि पर्सनली जानता रहा हूं, जब से मैं 74 तब से हैदराबाद जाता रहा हूं, आप देखिए केसीआर भी परिवार, केसीआर जब आए थे उस आंदोलन में कई लोगों ने समर्थन किया, मैं तो मानता हूं शायद बीजेपी ने भी समर्थन किया था, कि तेलंगाना का एक अलग छोटे राज्य बनाने का काम पहल तो बीजेपी ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में राज्य बने ये, ठीक है तेलंगाना का तो कांग्रेस सालों तक नहीं मानती रही, नरसिंहराव तो इसीलिए हटाए गए। इसलिए हैदराबाद का यदि विकास होता है, यदि उसके लोगों को रोजगार मिलता है, यदि वहां के गलियों में सुधार होता है, जहां पर जाने में, मैं जब जाता था अदिति जी वहां पर निकलना मुश्किल होता था, इस तरह का ऐसा लगता था आप कहीं इसी जगह चले गए ईरान तुरान में, जहां पर आपको मुश्किल है उस गली में जाना, चूंकि एक खास समुदाय का दिखाई देता था। आज यदि उसको एक सामूहिक रूप से मिलाना है, मिनी इंडिया जो कहा गया है, हैदराबाद की चुनौती है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा जो वायदा जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी ने किया है, चाहे वो दिल्ली हो, भोपाल हो या हैदराबाद हो, और ये कहना भोपाल में इतने अल्पसंख्यक हैं, पटना में इतने अल्पसंख्यक हैं, वहां बीजेपी जीत के आ रही है ना, तो हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि हैदराबाद का ये काहे, वो नायडू रहे हो, वो भी परिवार गए थे चंद्रबाबू नायडू, पहले आंध्र के समय, आज भी तेलुगु देशम, वो ये इन्होंने आए, इनकी बेटी को बनाया, बेटे को बनाया, खानदान को ले आए, ओबीसी अपने भाई उनको ले आए, और वो जिस तरह से कुप्रचार करते हैं, एक लाइन कहूंगा और,
मैंने अब उनका सुना, आपने यदि ध्यान दिया हो वहीं के किसी चैनल पर, उन्होंने बाकायदा अंग्रेजी में ज्यादा कहा कि हम तो बिल्कुल इस्लाम कल्चर और उस कल्चर की तरह काम करना चाहते हैं, हम कुरान के आधार पर देश राज्य चलाना चाहते हैं। आप बताइए, जो सत्ता में रहकर के धर्म के आधार पर खाली वो चेतावनी देते हैं कि हैदराबाद में रहना है तो आपको उसी धर्म के हिसाब से काम करना होगा, हम तो वैसा ही करेंगे, तो ऐसे लोगों को सत्ता में लाने की बात करेंगे? व्यापक परिप्रेक्ष्य में सबके लिए हित हो इसलिए होना चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद कामरान भी हमारे साथ हैं IMIM से। धमकाएंगे? मोहम्मद कामरान हमारे साथ है, मेरी आवाज आ रही है? आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो कामरान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, हम तक आवाज आ रही है आपकी। ये ओवैसी साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हैदराबाद जो था वही रहेगा? सर धमकी, लोकतंत्र में धमकी, जनता को फैसला लेने दीजिए ना सर। देखिए, फैसला तो हम इससे जनता को ही लेना होता है, पर जो हमारा देश है इसके चार पिलर है, उनको मुझे देखता है, और जो बीजेपी है ये पूरे हिंदुस्तान में अभी तक क्या कर रही है सबको पता है। अभी तक जो इन्होंने जो देश की जनता से वादे करे थे वो अभी तक उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं करा गया है। नहीं, नहीं, कामरान जी इनके वादे तो छोड़ दीजिए, इनके वादे तो कम से कम पता है कि इनके वादे तो हैं। कामरान जी इनके वादे कम से कम पता तो है कि इनके कुछ वादे हैं, आपके तो वादों का ही नहीं पता चल पा रहा सर, आपका तो वादा ही नहीं पता चल पा रहा है सर, मैनिफेस्टो ही नहीं है। ओवैसी साहब कह रहे हैं नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अदिति जी, MIM जो है वो वादे नहीं करती है, वो काम करती है। पॉलिटिकली जो है वादे जो सरकारें करती हैं। सर आपकी आवाज में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गजेंद्र साखला जी, सर आप वादे वादे तो गिनवा रहे हैं सर कि बीजेपी ने ये नहीं किया, आपको निजाम कल्चर हटाने की बात हो रही है तो दिक्कत हो रही है सर, लेकिन निजाम कल्चर को हटाने की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो आप पर भी थी सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूं अदिति जी, निजाम कल्चर हटाने की जरूरत क्या है जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है हर आदमी को अपना धर्म, अपना कल्चर, अपना व्यवहार, अपना आचार, अपना विचार रखने का अधिकार है, तो आप हटाने की बात कैसे करते हैं? देश के गृह मंत्री संविधान के खिलाफ काम करेंगे सर, क्या कल्चर और इंडिविजुअल चॉइस का फर्क समझते हैं साखला जी? इस सिस्टम को लेकर के हम चलेंगे क्या? साखला जी आप इतने वरिष्ठ हैं सर, बिल्कुल समझते हैं हम, इंडिविजुअल चॉइस और कल्चर का फर्क समझते हैं? आजादी के अंदर इनको पूछो सर कल्चर क्या होता है, एक इंडिविजुअल है कल्चर या कलेक्टिव है वो? कहां? नहीं नहीं सर आप सवाल ही नहीं सुनते सर, आप बस आप कलेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं सर, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। किसकी बात? कलेक्टिव सारे के सारे कल्चर जो है वो अभी आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दी, वो तो इंडिविजुअल चॉइस की बात कर रहा है सर, वो जीवित रहेगी जो जिस हिस्से का आपने जिक्र किया वो तो इंडिविजुअल चॉइस की बात कर रहा है सर, और आप यहाँ पे कह रहे हैं हाँ कल्चर कलेक्टिव होता है, मुझे ये भी समझ आ रहा है सर, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ सर, ये तो सर इंटरप्रिटेशन नहीं कर रही हूँ मैं, तथ्यों पे रह रही हूँ, इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है सर इसमें। कल्चर आज कोई राजस्थान में रह रहा है, मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, मेरा राजस्थानी कल्चर है, कल वो यहाँ क्या हम आपका राजस्थानी कल्चर खत्म कर देंगे? कौन होते हैं करने वाले खत्म? सर दोयम दर्जे का महसूस कराया जाता है किसी को? आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं दोयम दर्जे का महसूस कराया जाता है जब उन्होंने, सुन लीजिए सर, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को आउट ऑफ किसी भी स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट में देखिए सर, किसी भी स्टेटमेंट को पहले आप ये बताइए आपको स्टेटमेंट समझ में आया? नीति जी हैदराबाद आज नहीं बसा है, हैदराबाद बरसों से बसा हुआ है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी सर। के लिए बताऊं कि देश के अंदर अगर अगर मेडिकल सुविधाओं की फैसिलिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1846 के अंदर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना हैदराबाद में निजाम ने की थी, और वो तमाम सर इसी सोच से तो बाहर आने की बात कर रही हूँ ना, इसी सोच से बाहर आने की बात कर रही हूँ, यही बात मैं तौसीफ खान से कह रही थी, यही बात मैं आपसे कह रही हूँ सर, जनता का है ये सब कुछ सर, इस माइंडसेट से बाहर निकलिए, इस माइंडसेट से बाहर निकलिए, सब कुछ जनता का है। राकेश सिन्हा, अलग अलग तरह के राकेश सिन्हा, अलग अलग तरीके के लोग सुन लीजिए, आप सुन लीजिए साहब, आप वही रटा रटा आप बाहर कराए एक बार इनकी आवाज साखला साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप कांग्रेस का भी इतिहास नहीं जानते। अरे अमित शाह जी को गाली देने से पहले सरदार पटेल का बयान तो सुन लीजिए, सरदार पटेल ने जब हैदराबाद की जमीन पर अपना पांव रखा तो नेहरू ने कहा हैदराबाद नहीं जाना है, और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई नेहरू की इच्छा के प्रतिकूल,
सरदार पटेल ने हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की और सरदार पटेल ने सबसे पहले कहा था निजाम और निजाम संस्कृति का अंत करना कांग्रेस का लक्ष्य है। जो जिस काम को नेहरू के वारिस नहीं कर पाए उसे आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप खुद परिवार निजाम संस्कृति क्या मैं बताता हूँ, सिन्हा साहब निजाम संस्कृति धन को लूट कर और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हुए काम के आधार पर हैदराबाद में शासन करने की महत्वाकांक्षा को पाल कर सांप्रदायिकता का संस्कृति को निजाम संस्कृति कहते हैं। देश की कम्युनल हारमोनी पर देश निजाम की आप कर रहे हैं, जिस निजाम को सरदार पटेल करता है सुरक्षा दो, निजाम किसानों को करता है था, निजाम सरदार पटेल ने सत्ता युक्त किया, काम को हटा कर हमला का शासन एक एक करके भानुराव जी सबका साथ सबका विकास एक सेकंड राजेंद्र सातला जी सर आप सर कितने टाइम से आप जी न्यूज पर डिबेट में आ रहे हैं, भानु प्रसाद राव चिल्लाइए नहीं गजेंद्र सातला जी, अरे गजेंद्र सातला जी प्लीज चिल्लाइए नहीं सर प्लीज। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं अदिति जी 15 सेकंड में। जी सर 15 सेकंड बात पूरी कीजिए सर, भानु प्रसाद राव उसके बाद। बस तीन ही बात है, देखिए सांसद साहब निजाम में जाने का है, जिससे राकेश सिन्हा जी की आवाज से 15 सेकंड के लिए उसके बाद भानु प्रसाद राव प्लीज। निजाम को हटाने की पहल सरदार पटेल ने की थी नेहरू की इच्छा के प्रतिकूल, और सेना की जो पुलिस और सेना की कार्रवाई हुई वो नेहरू की इच्छा के प्रतिकूल, इससे कांग्रेस की दो धारा थी और सरदार पटेल ने कहा था निजाम एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। ओके भानु प्रसाद राव जी, जब से 2014 में तेलंगाना स्टेट बना था तब से तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद दोनों भी प्रगति के तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप प्रगति के बारे में, विकास के बारे में या यहाँ हुआ सो काम के बारे में बात कीजिए। यहाँ जितना हैदराबाद सिटी में जितना फ्लाईओवर बना शायद देश के कोई भी सिटी में उतना फ्लाईओवर इन 5 सालों में नहीं बना। सर बाढ़ आई थी सिटी में, हैदराबाद सिटी के लिए जो पीने का पानी का नहीं मैं लेट मी कंप्लीट, मैं वो भी उसके बारे में भी बोलूंगा। बहुत सारे सिटीज में ISO है, बैंगलोर में अभी भी ISO है, गुजरात में भी ISO है, मुंबई में भी ISO है, बहुत सारे सिटीज में ISO है। इससे पहले भी बहुत बार ISO है, बाढ़ ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ISO है। ठीक है सर, आपका एटीट्यूड दिखा रहा है जनता में, चाहती हूँ देखिए सुने नेताओं की अप्रोच क्या है। ये जनता से जुड़े नुमाइंदे हैं जो कह रहे पहले भी आ चुका है, फिर से आ गया तो क्या हो गया। सर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? नहीं भाई वैसा नहीं बोला, आप गलत बोल रहे। हमने प्लान किया है अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए प्लान किया है, 12,000 करोड़ खर्च करके हमने शुरू किया है काम, हम उसके लिए अप्रूवल भी लिया है। हम सर आपको कोई सिटीजन चार्टर था? वाला है आपने किसी सिटीजन चार्टर का वादा किया था सर, वो कब आ रहा है सर? सिटीजन चार्टर का वादा किया था आपने किसी? हमने स्ट्रेटेजिक रोड प्लान, रोड डेवलपमेंट प्लान का वादा किया था, स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के आपने 6 लेन रोड का वादा किया था उसका क्या हुआ सर? 15 डंप यार्ड का वादा किया था उसका क्या हुआ सर? हुसैन सागर को साफ करने का वादा किया था उसका क्या हुआ सर? 4 नए हॉस्पिटल। ठीक है सर कोई बात नहीं, अपराजिता सारा हमने वो बिल अभी पास किया है, भारतीय जनता पार्टी बिल पास किया है, अभी आगे आने वाले थोड़े ही दिनों में हम वो भी इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम पूरा सिटीजन चार्टर सर आपको मैंने 5 वादे गिनवा दिए जिसमें से अपराजिता सारंगी इसमें पूरा जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले, 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ों रुपये दिए, हैदराबाद में एक पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपये हैदराबाद की आवाम को मिले वो मजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से, अगर मिलते पैसे मरकज से नरेंद्र मोदी की हुकूमत से कम एक एक गरीब को 80,000 से 1,00,000 रुपया मिलता था, मगर हैदराबाद से नफरत बीजेपी को है। जब ये मसलों को हम उठाते हैं तो बीजेपी आ जाती जिन्ना के ऊपर, बीजेपी आ जाती टेररिज्म के ऊपर, बीजेपी आ जाती फुलां कल्चर के ऊपर। आखिर बीजेपी ने हैदराबाद के लिए क्या किया मरकज में रहकर? इसका कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मुझे आपसे ही दरख्वास्त करना है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पहली तारीख के दिन अपने के वोट को इस्तेमाल करिए और जिस तरह से बिहार की आवाम ने मजलिस के मेलेस को वहां पर कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी हम अपने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। पोलिंग करिए, वोट डालिए, जितना हो सके वोट डालते रहिए, डालते रहिए, पोलिंग बूथ को जाइए। एक दिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। अपराजिता जी, आपने सुना? जी मैम, जी मैंने सुना। मैं कहना चाहूंगी, बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बहुत ही सरल और साफ है। हम सबको इसे समझने की जरूरत है। हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं, हम समानता और भ्रातृत्व का वातावरण सृष्टि हो इसकी दिशा में काम करेंगे, इसकी बात हम कर रहे हैं। निजाम की संस्कृति है नवाबी संस्कृति, हम नवाबी संस्कृति से आम आदमी संस्कृति की तरफ हैदराबाद को ले जाना चाहते हैं। आज अगर ठीक है मैम, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की तरफ और तुष्टीकरण से विकास की ओर गृह मंत्री की तरफ से ये बड़ी बातें आज कही गई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। लेकिन अब हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि जनता किससे कन्विंस हुई है, जनता किस पार्टी के चुनावी वादों पर। यहां पर मुझे कहना चाहिए आईएमआईएम का तो मैनिफेस्टो ही नहीं है, लेकिन क्या जो पिच बीजेपी के जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह द्वारा सेट की गई है, जनता उस पर भरोसा दिखाती है। नतीजा बहुत जल्द हमारे सामने। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।